और ये गीत जो हम गावे जात बाटी ये कार्तिक मास अब चलत है चले वाला बा चढ़ाई वाला आ एकरे बाद भैया यही में माता बहिन लोग छठ जौन महापर्व के रूप में जानल जात बा एकरे कर दिन लोग उपवास करेला लोग मन्नत मांगेला। ए भैया इस मंच के माध्यम से मैं छठ पर्व के इतिहास पर प्रकाश डालूंगा कि आखिर में वास्तव में हम छठ मनाते क्यों हैं, छठ पर्व कहां से चला है। माता बहन के संदेश देवे कर दिन राजन फोटो स्टूडियो तत्पर तैयार है, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। कहना है भैया सब हार गए पांचों पांडव, दशा ऐसी हो गई कि ना ही तो शरीर पर वस्त्र है पहनने के लिए, ना ही तो भोजन है पेट को भरने के लिए। ये भैया स्थिति देखने के बाद द्रौपदी उदास है। द्रौपदी इस बात को धौम्य मुनि से कही कि हमारे ऊपर ऐसी पीड़ा है कि शायद मैं इस दुनिया में रह नहीं सकती। हे भैया धौम्य मुनि उस जमाने में क्या उनको उपाय बताएं, कौन सी युक्ति का सुझाव दे दिए। कहना है पर कई के पूजा नवा
कि दिनकर अर्थात सूर्य की आराधना करो, पूजन करो और उनसे अपनी मान रख दो, तो होगा क्या? सूर्य देवता को प्रणाम करो तो क्या तुम्हें हासिल होगा? पारना पैहदु सुझाव दिए कि हाथ में दियना लेकर के जल में खड़ा हो, सूर्य देवता को अर्घ दो, तुम्हारी सभी मुरादें पूर्ण होंगी। ए भैया, जौन जौन बतलाओ ना द्रौपदी वह काम कर दिया ली। आगे भाई का
परिणाम आपके सामने है कि महाभारत में किसकी जीत हुई। 100 भाई उधर हार गए, भीष्म का ज्ञान ही विलुप्त हो गया। ए भैया अंधता भय का काली का तारे